हाय दोस्तों, आपका स्वागत है कैशिफाई की इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे टॉप 10 रेसिंग गेम्स जो अभी एंड्रॉइड पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी बहुत ही बढ़िया गेम्स हैं, और अगर आपको रेसिंग गेम्स पसंद हैं या फिर अगर आप रेसिंग गेम्स में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको डेफिनेटली यही लिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही बढ़िया गेम है जिनको खेलने में बहुत मज़ा आता है और आपको पता भी नहीं चलता आपका टाइम कहाँ जा रहा है, इतने फन गेम्स हैं ये। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे एसोलोटो रेसिंग के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर रेसिंग गेम है, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, ये 1 GB से भी छोटा है। तो मतलब अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली ये गेम कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। और बल्कि इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका फिजिक्स इंजन बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि एसोलोटो रेसिंग में जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको एक्चुअली लगेगा कि आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है जिसको आप लेफ्ट राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। इस गेम में आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन के भी ऑप्शंस मिलते हैं, और आप अपनी गाड़ी को ट्वीक भी कर सकते हैं माइनर चीज़ों के लिए, जैसे कि गियर रेशियो, वेट रिडक्शन। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर सही ड्राइवर को पता है कि इनका मैं क्या करूं, तो ड्राइविंग बहुत फन हो सकती है और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा भी आ सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर हम लोग बात करेंगे टॉप स्पीड ड्रैग एंड फास्ट रेसिंग 3D की। ये एक ड्रैग रेसिंग गेम है जिसको टी बुल नाम की कंपनी ने बनाया है, जिसमें आपको 69 कार मॉडल्स मिलते हैं, जो ऑफकोर्स बहुत सारे हैं। और ये एक बहुत यूनिक गेम है, क्योंकि ये ड्रैग रेसिंग पर फोकस्ड है। अगर आपको ड्रैग रेसिंग नहीं पता, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एक लाइन में रेस करते हो, जिसमें आपको गियर शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एकदम सही टाइम में गियर शिफ्ट करते हो तो आपकी कार को एक परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, और अगर आप गियर शिफ्टिंग नहीं समझते तो एक्चुअली वो आपकी ड्राइविंग को हानिकारक भी बना सकता है। मतलब कि आप थोड़ा स्लो ड्राइव करेंगे और आपका अपोनेंट जीत जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ड्रैग रेसिंग को थोड़ा सीखना और समझना पड़ेगा, लेकिन यदि आप समझ जाते हैं तो आपको ऑफकोर्स इस गेम में बहुत मज़ा आएगा। गेम का एक यूनिक ट्विस्ट भी है कि वो क्राइम बॉस के अगेंस्ट बना हुआ है। मतलब बहुत सारे अलग अलग गैंग के मेंबर्स होते हैं, उनको आप हराते हैं और उसके बाद उनके बॉसेस को हराते हैं आप। इसमें बहुत डिफरेंट तरीके की लोकेशंस भी मिलती हैं आपको, जैसे कि सबर्ब्स और फिर डाउनटाउन। तो रेसिंग कभी बोरिंग नहीं होती है, और स्पेशली इसकी अच्छी बात यह है कि आप इस पूरे गेम को शुरू से एंड तक ऑफलाइन खेल सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और गेम कभी भी आपसे ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए डिमांड नहीं करेगा। नंबर 8 पर हम लोग बात करेंगे रियल ड्रिफ्ट रेसिंग कार लाइट की। यदि आपके फ़ोन में बहुत ही कम स्टोरेज है और आपको लगता है कि कोई गेम जो 1 GB के आसपास है वो भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो ये पर्टिकुलर गेम डेफिनेटली आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यह है ये सिर्फ 146 MB का है। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास स्टोरेज है या नहीं है, क्योंकि छोटा होने के बावजूद ये गेम एक्चुअली बहुत ज़्यादा फन है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने हम बाकी गेम्स मेंशन करेंगे उससे कंपेयर किया जाए तो, लेकिन ये ऑब्वियसली बहुत बढ़िया गेम है। और अगर आपको सिर्फ रेसिंग और ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, जो फन होनी चाहिए, लेकिन आप ग्राफिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये गेम कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। इसके 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं, और आप गेम खेलते हुए अपनी कार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की मैप्स भी खेल सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई कमी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नंबर 7 पर हम लोग एक क्लासिक रेसिंग गेम की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा फन है, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टाइम एंड्रॉयड रेसिंग गेमर हैं। इस गेम का नाम है हिल क्लाइंब रेसिंग, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये आपको जितना सिंपल दिखता है ये उतना ही कठिन है मास्टर करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरा गेम फिजिक्स बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आप जिस सरफेस पर गाड़ी चला रहे होंगे, आपकी गाड़ी सिर्फ सीधी नहीं जाती रहेगी बल्कि वो उछलेगी और कूदेगी डिपेंडिंग ऑन किस एंगल पर आपने गाड़ी अपनी लैंड कराई है। इस गेम में आपको बोनसेस भी मिलते हैं अगर आपकी कार जंप करती है या फ्लिप करती है, और इसके ग्राफिक्स कुछ लोगों को सिंपल लगेंगे लेकिन हमें बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। कंट्रोल्स में भी आपको तो मुड़ने का भी ऑप्शन नहीं मिलता, आपके पास सिर्फ एक ब्रेक है और एक्सेलरेटर है, और आपको सिर्फ वही यूज़ करके हर ट्रैक को जीतना है। जैसे जैसे आप गेम खेलते रहेंगे आप पार्ट्स अनलॉक करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी बेहतर होती रहती है, और आप अलग अलग मैप्स पर भी रेस करते हैं।
इस गेम की भी सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसे पूरा ऑफलाइन खेल सकते हैं, आपको नेट पर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपको एक सिंपल रेसिंग गेम पसंद है जो शुरू करना बहुत आसान है लेकिन मास्टर करना बहुत मुश्किल है, तो आपको डेफिनेटली हिल क्लाइंब रेसिंग खेलना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नीड फॉर स्पीड की, जो एक बहुत ही पॉपुलर रेसिंग गेम सीरीज है, और अगर आप एक कंप्यूटर या कंसोल गेमर हैं तो आपने डेफिनेटली ये खेला होगा, स्पेशली मोस्ट वांटेड कार्बन या फिर अंडरग्राउंड 2। इसी स्पिरिट को कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने ये गेम बनाया है मोबाइल के लिए, जिसमें आप अपने एंड्रॉयड पर ही आराम से ये गेम कहीं भी ले जाके खेल सकते हैं। गेम में टोटल आपको 30 गाड़ियां मिलती हैं जिनको आप अपग्रेड और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और कंट्रोल्स भी सिंपल हैं, आपको मेनली सिर्फ एक एक्सेलरेटर और ब्रेक से ही रेसेस जीतनी है। ग्राफिक्स बहुत सुंदर हैं तो आपको ऑफकोर्स बहुत मज़ा आएगा ये गेम देखने में, और इसके अलावा अलग अलग टाइप की रेसेस भी मिलती हैं आपको। एक और अच्छी बात यह है कि रेसेस बहुत लंबी नहीं है तो छोटी ही है, इसका मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो या बीच में आपको एक रिफ्रेशर चाहिए हो तो आप खेल सकते हैं, और आपको हर बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे एक लंबी रेसेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। नंबर 5 पर हम लोग बात करेंगे एक और बहुत ही मज़ेदार ड्रैग रेसिंग गेम के बारे में, जिसका नाम है CSR Racing 2। और इस गेम को कई लोग मानते हैं ड्रैग रेसिंग का एकदम पिनिकल, स्पेशली अगर मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। इस गेम में आप बहुत सारी फन चीज़ें कर सकते हैं जो बाकी गेम्स आपको नहीं ऑप्शन देते, जैसे कि अपनी गाड़ी को बेचना, उसकी पार्ट्स निकाल के उन्हें बेच देना, या फिर अपनी गाड़ी को ट्यून करना अलग अलग गेम मोड्स के लिए। इस गेम की एक और अच्छी बात यह है कि हालांकि बाकी सारे गेम आपको ऑप्शन देते हैं असली पैसे खर्च करके गेम के लिए कुछ भी कस्टमाइजेशन या नई गाड़ियाँ खरीदने का, इस गेम में आप एक्चुअली इन गेम मनी से ही ये सब कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेसेस जीतते रहते हैं और अच्छे से खेलते रहते हैं तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप आराम से और गाड़ियां और पार्ट्स भी ले पाएं। तो मतलब गेम आपको फोर्स नहीं करता कि आप अपने एक्चुअल पैसे गेम में लगाएं, जो ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ऑफ कोर्स गेम के ग्राफिक्स बहुत सुंदर हैं और ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो अगर आपको ड्रैग रेसिंग पसंद है, स्पेशली बहुत अच्छी ड्रैग रेसिंग, आपको डेफिनेटली CSR Racing 2 खेलना चाहिए। नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे गियर क्लब को, जो एक बहुत अच्छा गेम है, स्पेशली इसलिए क्योंकि इसकी कार्स के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ ग्राफिकली सुंदर नहीं है बल्कि वो साउंड भी बहुत अच्छी करती हैं, और जब आप उसको कंपेयर करते हैं ट्रैक्स के साथ जो बहुत ही अच्छे इंट्रिकेट तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, और लैंडस्केप्स के साथ, मतलब जो आपको अपने ट्रैक के अलावा आसपास सीनरी दिखाई देती है उसके साथ, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाती हैं। ऑफ कोर्स ड्राइविंग भी बहुत फन है और आपको मज़ा आएगा, और आपको बहुत सारे अलग अलग मोड और इवेंट और चैम्पियनशिप में रेस करने को मिलता है। आप ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली आपको ये गेम रेकमेंड करेंगे अगर आप विजुअल्स को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब अगर आपको सिर्फ सुंदर ग्राफिक्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टॉप 3 की, जिसका मतलब ये गेम एब्सोल्यूट बेस्ट हैं अगर आप एंड्रॉयड पर रेसिंग करना चाहते हैं। नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे निंटेंडो के मारियो कार्ट को। इस गेम के बारे में शायद आपने सुना हो, ये बहुत ही पॉपुलर है स्पेशली वी और निंटेंडो स्विच पर। ये गेम एक बहुत सिंपल जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इसमें आप कार्ट टाइप की कार्स चलाते हैं जो बहुत छोटी सी होती हैं, और ये इस गेम में आपको फरारीज और लैम्बोर्गिनीज देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके कंट्रोल्स एक्चुअली बहुत सिंपल हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ स्वाइप करना है लेफ्ट और राइट अपनी कार को मोड़ने के लिए, और आप अप स्वाइप करते हैं वेपन्स यूज़ करने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस गेम की भी अच्छी बात यह है कि इसमें शॉर्ट रेसेस होती हैं जो सिर्फ 2 लैप में कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसका मतलब आपको बहुत टाइम नहीं निकालना है रेस करने के लिए। लेकिन हम इस बात की आपको डेफिनेटली गारंटी दे सकते हैं कि मारियो कार्ट इस पूरी लिस्ट में सबसे यूनिक गेम है, और अगर आप जनरल रेसर्स जिनमें सेम टाइप की गाड़ियां होती हैं उनसे बोर हो गए हैं तो आपको डेफिनेटली मारियो कार्ट ट्राई करना चाहिए। नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक राइडर की, जिसका एक बहुत ही सिंपल गोल है कि आपको सिर्फ टाइम खत्म होने से पहले अपनी लोकेशन पर पहुंचना है। दैट्स इट, साउंड सिंपल, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप एक्चुअली प्रॉपर ट्रैफिक में रेस कर रहे होते हो, जिसका मतलब यह है कि आपको ट्रैफिक में नेविगेट करना पड़ेगा और हर कोना ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली आगे बढ़ के जीतने के लिए। ग्राफिक्स बहुत ही सुंदर हैं और आपको दिन और रात में भी डिफरेंस मिलता है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। आपको 29 बाइक्स मिलती हैं
जो बहुत ही सुंदर साउंड करती हैं, सच में लाजवाब हैं अगर आपको साउंड्स बहुत अच्छी लगती हैं व्हीकल्स की। और अलग अलग बाइक्स के अलावा आपको अलग अलग मोड भी मिलते हैं, जैसे कि करियर मोड, एंडलेस मोड अगर आप चाहते हो कि आपका बस चलता ही रहे गेम और कभी ख़त्म ना हो, फ्री राइड और टाइम ट्रायल का भी ऑप्शन मिलता है। ये गेम स्पेशली बहुत अच्छा है अगर ओवरटेकिंग में आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम रेकमेंड करेंगे आप ये रियल लाइफ में ना करें, लेकिन अगर आपको ये चीज़ करने में मज़ा आता है तो आप गेम में तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इस गेम में ये चीज़ ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करी गई है और हमें खेलने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अब हम फाइनली नंबर वन स्पॉट पर आ गए हैं, और यहाँ पर हम एक अल्टीमेट गेम की बात करने वाले हैं, जो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये पिछले 9 गेम्स में मेंशन नहीं किया गया है, और ये है एस्फॉल्ट 9। ये गेम एब्सोल्युटली बिना किसी डाउट नंबर वन गेम है एंड्रॉयड रेसिंग में, क्योंकि इसे खेलने में जो आपको मज़ा आता है वो किसी और गेम में नहीं आता। एस्फॉल्ट 9 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है हर बेहतरीन चीज़ का, चाहे कि आप वो ग्राफिक्स लें, साउंड लें, गेम प्ले लें या कोई भी और चीज़ उठा लें, आपको इस गेम में सबसे बढ़िया मिलेगी। ऑफ कोर्स इस गेम को रन करना बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली अगर आप टॉप ग्राफिक्स पर चलाना चाहते हैं तो आपके पास ज़रूर एक फ्लैगशिप फ़ोन होना चाहिए, लेकिन यदि आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे ग्राफिक्स पर चला सकते हैं तो आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए। इस गेम में भी आपको अलग अलग तरीके के मोड्स मिलते हैं, और आप करियर मोड खेल सकते हैं या फिर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। एस्फॉल्ट का अपना एक स्पेसिफिक ड्राइविंग कंट्रोल फीचर है जिसको वो टच ड्राइव बुलाते हैं, जिसको यूज़ करना बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा फन भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 एंड्रॉयड रेसिंग गेम्स की। हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया गेम कौन सा लगता है, और यदि आपको लगता है हमने कोई गेम मिस कर दिया है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।